गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। आप सबको जैसा कि पता ही होगा कि ये जो वीडियो है स्पेशली टीचर्स डे के लिए मैंने शूट किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो टीचर्स हैं, वो सभी लोगों के लिए है जो हर मोड पे किसी न किसी तरह से आपको रास्ता दिखाया है, स्पेशली फॉर मॉम। मैं अपने मम्मी के लिए एक इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने मेरे हर रास्ते पे मतलब हर टाइम ऑल टाइम मेरा एक टीचर्स बन के मुझे हर रास्ता दिखाया, हर जगह का रास्ता खोला है, हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब अगर देखा जाए तो मेरी मम्मी जो है मुझे हमेशा आगे बढ़ने का जो है ज्ञान देती हैं, हमेशा प्रेरणा करती हैं, मुझे ही नहीं मेरे भाई बहन को सभी को। सो उसके लिए मम्मा को जो है जितना भी थैंक यू बोलूं वो बहुत कम है। तो आप सभी लोग प्लीज अपने मम्मा को थैंक यू बोलो। कहते हैं ना कि लाइफ का फर्स्ट गुरु जो होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली फॉर मॉम। पेरेंट्स दोनों मतलब मम्मी पापा दोनों होते हैं जो हमें हमारे लिए गुरु ही हैं। बट मम्मा को मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो डैड होते हैं वो लोग जो है बाहर हम लोगों के लिए नौकरी करने जाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और मम्मा जो हम लोग की मम्मी हैं वो घर पे हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं, हम लोगों का ध्यान रखती हैं। सो इसलिए सभी लोग अपने पेरेंट्स को जरूर धन्यवाद दें, स्पेशल फॉर मम्मी को, ठीक है। सो कुछ मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वो सुन लीजिए, ठीक है। ये उन सभी टीचरों के लिए है, उन सभी मम्मी लोगों के लिए है जिन्होंने हर मुकाम पे हर ऑल टाइम जो है अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाया है, ठीक है। तो अज्ञात को मिटाकर ज्ञान की दीपक जलाया, सही क्या है गलत क्या है सबको ये पढ़ा। आप में से कोई भी टीचर्स हो, जो भी टीचर्स हो, उसको मेरे तहे दिल से हैप्पी टीचर्स। आप लोग की वजह से सारे स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ पाते हैं एक नए रास्ते को। जब बच्चों में हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमें टीचर्स क्यों डांटते हैं या हमारे पेरेंट्स क्यों डांटते हैं, लेकिन अभी जब बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए वो लोग ही कहते हैं ना कि जब तक किसी लोहे को पे हथौड़ा नहीं पीटोगे तब तक वो किसी योग्य नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे टीचर्स भी हमें जब तक डांटेंगे नहीं तब तक हम किसी योग्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मम्मी का भी कुछ ऐसा ही था, मेरी मम्मी के लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी गुरु है मेरी मम्मी, सबसे बड़ी गुरु। बहुत सारे टीचर्स भी हैं बट मम्मी को मैंने अपने सबसे ऊपर रखा है क्योंकि मेरी मम्मी ऑल टाइम जो है मेरा सपोर्ट की है, हमेशा रास्ता दिखाई है। आज भी वो दिन है कि मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ, फिर भी मम्मा को जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है मम्मी को फोन करके मैं उसका सॉल्यूशन जरूर पूछती हूँ, और बिलीव करो मुझे उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसके किसके साथ होता है ऐसा कि वो अपने मम्मा से शेयर करते हो बात और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है। मेरे साथ तो जरूर होता है, जरूर होता है। सो मम्मा आपको थैंक यू, मतलब कितना बोलू मैं वो कम है, ठीक है। पहले तो फील नहीं होता था उतना, लेकिन जब एक बच्चे की जब मैं माँ बनी, एक खुद मम्मा में बनी, तो मुझे फिर फील बहुत ज्यादा होता है कि बहुत सारे चीजें के लिए मम्मा मेरी मुझे बहुत डांटती थी। तो उस टाइम मुझे बुरा लगता था कि अरे जब देखो तो मम्मी डांटती है, यहाँ जाने के लिए, वहां जाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, मतलब ऑल टाइम डांटती रहती है, हमेशा हर चीज के लिए मना करती है, मतलब बहुत सारी शिकायतें हुआ करती थी। बट अभी जब मेरी मनु हुई है, जब मैं खुद वो भी स्पेशली एक लड़की मतलब एक गर्ल्स की मम्मी बनी हूँ, तो फिर ज्यादा फील हुआ कि हाँ नहीं मम्मा जो है सही कहती थी, सही हमेशा सही ही उन्होंने राय दिया है। और इनफैक्ट जब मैंने YouTube पे काम करना स्टार्ट किया तो उसके लिए भी मम्मा ने ही डिसीजन दिया था कि कुछ नहीं, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा था तो घर पे रह रहे के मैं बहुत ज्यादा मतलब
टेंशन लेने लगती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये हमेशा यही चीज को रखती थी। तो उसके बाद क्योंकि ये जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मेरा जो वर्क है वो उस मतलब नहीं है वो चीज काम यहाँ पे, तो नहीं हो पाया। और अब तो बच्चा भी हो गया है, मनु भी बहुत छोटी है अभी, तो जॉब पे भी नहीं जा सकती मैं। जब तक मनु बड़ी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे फैमिली में देखा जाए तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करी है। उन्होंने ही बोला कि जो है नहीं तुम करो, काम करो, यूट्यूब पे जरूर आगे बढ़ोगी। एटलीस्ट इतना तो किसी ने नहीं किया होगा, इतना तो किसी ने नहीं बोला होगा जितना मेरी मम्मी ने बोला। सो जब भी मैं हमेशा कहीं ना कहीं जब मैं गिरने की कोशिश करती थी या मतलब डाउन होती थी, तो मेरी मम्मी हमेशा हर जगह मुझे खड़ा करती थी, मतलब हमेशा हौसला देती थी। और इस चीज को मेरे सिस्टर लोग या मेरे भाई लोग भी फील करते होंगे कि उन्होंने कितना सपोर्ट करा है, मुझे ही नहीं मेरी मतलब मेरे भाई बहन को भी किया है बहुत सपोर्ट। सो मेरे लिए ये टीचर्स डे मेरी मम्मी के लिए ही होगा ज्यादातर से, क्योंकि आजकल के जनरेशन में एक सच्चा गुरु मिल पाना बहुत कठिन है। अगर आपके लाइफ में कोई सच्चा गुरु है, अच्छा गुरु है, तो प्लीज उसको उसकी इज्जत कीजिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर से, अभी क्या होता है आजकल के जनरेशन में लोग टीचर में कितने अच्छे, वो टीचर्स जो आते थे और खड़ा, जैसे हम लोग कुछ भी गलती करते थे तो पनिशमेंट देते थे हमें, बोलते थे कि हाथ ऐसे करो, डंडी से मारते थे इस पे वो सब चीजें बोल नहीं सकते हम, मार खाते थे, लेकिन उस मार खाने पे भी बहुत खुशी होती जब हम सोचते हैं। उस टाइम तो बहुत दुख होता था कि मुझे आज मार पड़ी या पनिशमेंट मिला, लेकिन अभी बहुत खुशी होता है जब वो चीज सोचते होते कि उस मार में भी प्यार था और उस मार की वजह से ही आज हम आगे बढ़ पाए हैं। सो जब तक कोई इंसान गिरता नहीं है तब तक वो उठता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है। तो गिरना भी बहुत जरूरी है, मतलब अपनी लाइफ में फेल होना भी बहुत जरूरी है। एक बार उतार चढ़ाव तो लाइफ में होता रहता है। सो बातें नहीं ज्यादा करते हैं, मेरी लाइफ के कुछ फोटोग्राफ है मेरी मम्मा के साथ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरी मनु का कुछ वीडियोस हैं जो मेरे साथ का है, और कुछ अकेले का भी है नटखट वाला, वो भी दिखा देती हूँ कि आप टीचर्स डे पे मेरी जो स्पीच है वो एक बोर हो जाओगे उसे सुनकर, ठीक है? तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना जरूरी है। तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके लाइफ में आपका फर्स्ट टीचर कौन है। मेरी तो मेरी फर्स्ट टीचर, मेरी क्या सभी के लाइफ में फर्स्ट टीचर उसकी माँ ही होती है। और आपके लाइफ में स्पेशल टीचर कौन है, आपकी माँ है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी है, जो भी है, जरूर बताना ताकि हमें पता चल सके। भाई आप शेयर करो, और आपको किस टाइप का वीडियो देखना हो प्लीज उसका भी कमेंट करके बताएं। आपको चैलेंज वाला मैं सोच रही बनाने के लिए, ईटिंग चैलेंज का वीडियो, उसके लिए कोई पार्टनर चाहिए। मेरे हस्बैंड को उतना शौक नहीं है चैलेंज वाले वीडियो, तो देखती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, तो फिर हम लोग चैलेंज वाला वीडियो शूट करेंगे जरूर, आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो देखिए आप मेरी मनु का, और कुछ फोटोज हैं जो मेरी मम्मा का, मेरा है, और मेरी मनु के साथ भी है जो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो पापा लोग, आप लोग उदास मत हो, आप लोग का तो ऐसा जो ये जो स्टेज है ना, ऐसा है कि आपके छाया छत में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, है ना? मम्मा तो ज्ञान देती हैं, मम्मा रास्ता दिखाती हैं, बट वो जो रास्ता दिखाने का जो जरिया है वो सारे कुछ आप हो, तो स्पेशली आप हो, आप भी हो हमारे लिए, ठीक है? सो अभी के लिए वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ मैं वो वीडियो, और स्किप मत कीजिएगा जरूर, बहुत इंजॉयफुल है मनु की हरकतें वाली, छोटे बच्चों वाली, ठीक है? और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है? तो उसको देखना हो, उसको जानना हो, तब स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय। तो
लास्ट में कुछ बताने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। जैसा कि आपको पता है कि मैं गुजरात में रहती हूँ और आने वाला है नवरात्रि, तो गुजरात में गरबा कैसे होता है और कैसे कैसे मतलब सेलिब्रेट कैसे लोग करते हैं डांस गरबा, सब आपको दिखाऊंगी मैं। उसको देखने के लिए जरूर मेरे वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको आगे का वीडियो पता चल पाएगा। क्योंकि मुझे कुछ गरबा भी करने आते हैं, मेरी भाभी हैं एकता भाभी, उन्होंने हमें सिखाया है गरबा करना, बहुत सारे गरबा, टिमली वगैरह और डांडिया सब कुछ। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि नवरात्रि आने वाला है और गरबा होगा यहाँ पे, और मैं जरूर इसको आप लोगों से शेयर करूंगी। गुजरात का कैसा नवरात्रि बीतता है, कैसा होता है वो अगर आपको देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर देखें, जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। सो यही बताना था मुझे कि आपको अगर इंटरेस्ट है गुजरातियों का नवरात्रि और गरबा देखना तो प्लीज जरूर वीडियो को वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। सो अभी के लिए मैं तैयारी करूंगी, हम लोग जो है ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नवरात्रि का जो गरबा है हम लोग कुछ दिनों में ही मतलब ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे, ट्राई मीन्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। मेरे पास डांडिया है तो डांडिया वाला भी करेंगे और एक टिमली होता है मतलब गुजरातियों का जो डांस है मतलब गरबा होता है उसे टिमली होता है, वो बहुत मजा आता है वो करने में, इतना मजा आता है ना कि मैं सोच के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं पहले भी वीडियो अगर अपलोड करती तो मैं जरूर दिखाती, बट मैंने लेट से वीडियो मतलब यूट्यूब पे मैं लेट से आई तो मुझे वो छूट गया, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं हम लोग जल्दी ही कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको गुजरातियों का गरबा, स्पेशली जो गुजरात में फेमस है गरबा, वो जरूर दिखाऊंगी, वो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको और आप देखना जरूर, बहुत इंजॉयफुल, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, आप गाना ही सुनते एकदम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो कभी मैं जब प्रैक्टिस करती रहूंगी तो उसका जो है गाना लगा के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो को ब्लॉग यही बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मे भी हो सकता है मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिस वाला ही हो, तो आप थोड़ा 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 सा पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा 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 करके दिखा दूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय।